अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी डीडीए के अधिकारी मुर्दाबाद। राजधानी दिल्ली के मंगलापुरी इलाके में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालयों पर आज पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने प्रचंड प्रदर्शन किया। प्रहरी ने प्रदर्शन के माध्यम से द्वारका और आसपास की जमीनों, फुटपाथों और ग्रीन एरिया पर हो चुके अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान डीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारों के साथ ही समाज सेवी, एनजीओ और विभिन्न पार्टियों से जुड़े नेताओं ने भी मौजूद रहकर प्रहरी की मुहिम का समर्थन किया। आपको बता दें कि दिल्ली की उपनगरी द्वारका के सेक्टर 14 में स्थित वेगस मॉल ने साथ में लगी हुई डीडीए की हजारों गज ग्रीन लैंड पर कब्जा कर लिया है। वहीं द्वारका के ही सेक्टर 12 में सिटी सेंटर मॉल के द्वारा डीडीए के फुटपाथ को भी कब्जा लिया गया है, जिन पर डीडीए के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। अब पत्रकारों की संस्था प्रहरी ने सोशल एक्टिविटीज, एनजीओ और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर द्वारका को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम छेड़ी है, जिसे सभी वर्गों का समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि समाज का एक बहुत जागरूक व्यक्ति, जिसको हम पत्रकार के नाम से जानते हैं, सभी पत्रकारों ने सामूहिक तौर पर ये प्रण किया कि डीडीए जिस जमीन को अनऑथराइज तरीके से बेच रही है या कब्जा करवा रही है, उन जमीनों को हम समाज के भले के लिए, वहाँ स्कूल बने, कॉलेज बने, कुछ अच्छा मोहल्ला क्लिनिक बने, हमारे वो व्यक्ति जो समाज में रहते हैं, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इस भूमि पर कुछ भी उनकी सेवा के लिए कुछ भी वहाँ पर अगर कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो हम उनके साथ में हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं पालम विधानसभा क्षेत्र की विधायक हूँ। मेरा पालम द्वारका और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र से घिरा हुआ है। ग्राम सभा डिपार्टमेंट की 2 साल मैं चेयरमैन रही हूँ। पालम विधानसभा में कौन सी लैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, जब इसका मैंने पता लगाया तो पता चला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ग्राम सभा की वो सब ज़मीनें, जो पहले रेवेन्यू विभाग ही देखता था, ग्राम सभा विभाग ही देखता था, उन्होंने डीडीए को वो ज़मीन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी है, हस्तांतरित कर दी है, और उसकी देखरेख अब डीडीए करेगा। और फिर डीडीए में आने के बाद में ना जाने कितने सारे रिटर्न में हमने भी लेटर लिखे हैं कि कौन कौन सी भूमि जिसकी देखरेख आप कर रहे हैं हमें बताइए। मेरे अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों की कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ तक कि सेक्टर 7 रामफल चौक से थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे शरारती तत्व होते हैं जो 16 साल के, 15 साल के नवयुवक गंदी हरकतें करते हैं, वहाँ बैठकर के दारू पीते हैं। तो एक पुलिस बिट वहाँ पर बनाई जाए, उसके लिए भी हमें डीडीए की एक जगह चाहिए थी, जो डीडीए ने हमें एक 9x9 का या 9x10 का कमरा देने के लायक भी जमीन का टुकड़ा हमें नहीं दिया। तो मुझे जब पता चला कि प्रहरी नाम का संगठन इस तरह की बातों को उठाने आया है, तो मैं स्वयं से ही इन सब विषयों से प्रभावित होकर के आज प्रहरी के मंच के ऊपर आई हूँ, क्योंकि मेरे पालम विधानसभा में भी डीडीए किस किस जमीन की देखरेख कर रहा है उसकी जानकारी विधायक होने के नाते मुझे आज तक नहीं है। सोमनाथ भारती जी जो हमारे डीडीए के मेंबर हैं, उनके द्वारा भी मैंने बहुत सारे पत्र डीडीए तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनका आज तक मुझे कोई रिटर्न में कोई जवाब नहीं मिला है। तो गंभीर मुद्दा है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि 8 रोज पहले हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से डीडीए के जो चीफ इंजीनियर हैं अग्रवाल साहब, उनको सूचित किया था कि आप लोग अविलंब द्वारका के जितने फुटपाथ हैं उनको मुक्त कराएं अतिक्रमण से, साथ में डीडीए की जो करोड़ों रुपए की, जो सैकड़ों करोड़ की जो लैंड है, ग्रीन लैंड, उसको माफिया से मुक्त कराएं वेगास मॉल से। लेकिन डीडीए के कान पे कोई जू नहीं रहेगी। इन लोगों ने कार्यवाही के नाम पे कुछ भी नहीं किया, तब आज मजबूर होके हम लोगों को प्रहरी के माध्यम से अपने सभी जितने इलाके के हमारे साथी हैं, जितने राजनेता हैं, जितने समाजसेवी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ के जो साथी हैं, उन सब के साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ शांतिपूर्वक एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है और बड़ी एक चेतावनी सीधे तौर पे इनको दे दी है कि अब अगले 10 दिन का समय हम आपको और देते हैं, अगर आप लोग तब भी वहाँ पर यथास्थिति रखते हैं और अतिक्रमण मुक्त द्वारका नहीं करते, तब हम लोग डीडीए वीसी का भी घेराव करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो केंद्रीय मंत्री, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी का घेराव करेंगे। देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अब तक तो सामाजिक संस्थाएं धरना प्रदर्शन और मुद्दे उठाया करती थी, आज सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पे पत्रकार भी अब उस भूमिका में आ चुके हैं। पत्रकार जो हैं हमारे
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इन्हें कहा जाता है और मैं मानता भी हूँ कि ये है। और जब जब सरकारी संस्थाएं निरंकुश हो जाती हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार की चरम सीमा बढ़ जाती है, तो उनको जगाने का काम, उनके दायित्व को एहसास कराने का काम पत्रकार ही करते आए हैं। ये हम लोगों ने हर बार देखा है। इस बार भी पत्रकार यहाँ पर आके DDA के खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, द्वारका के ग्रीन एरिया को बचाने के लिए। वेगास मॉल जैसी बड़ी संस्था जिन्होंने द्वारका के लगभग 850 करोड़ भूमि के ग्रीन एरिया पे एक तरह से कब्जा किया हुआ था, जिसकी बार बार हम लोग शिकायत कर रहे थे और कोई कार्रवाई DDA कर नहीं रही थी, उस मुद्दे को आज प्रहरी संस्था ने उठाया है। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सिटी सेंटर मॉल ने वहाँ पे पूरा फुटपाथ गायब कर दिया, सौंदर्यकरण के नाम पे फुटपाथ ही नहीं है, पैदल आदमी चलेगा कहाँ। इस तरह के विषय हर जगह पर है। द्वारका पालम जो हमारी मेन मार्केट है पालम की, वहाँ पर नीचे पूरा DDA ने मेंटेन करना है, फ्लाईओवर के नीचे और फ्लाईओवर के ऊपर भी। मेंटेनेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, लोगों की जान माल को खतरा है। जिस दिन यहाँ हादसा होगा, बहुत बड़ा हादसा होगा। इन सब विषयों को लेके प्रहरी सजग होके आइए तो हम लोग प्रहरी के समर्थन में आए। को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अब देखना ये है कि पत्रकारों द्वारा उठाई जा रही द्वारका में अवैध अतिक्रमण की आवाज DDA के अधिकारियों के कान तक पहुँचती है या नहीं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।